हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। बात करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के IPO की, कि क्या यहाँ पे आप लोगों को बाई करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। द मुंबई बेस्ड फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर इंटेंड्स टू रेज 351 करोड़ वाय पब्लिक इशू एट अपर प्राइस बैंड। तो यहाँ पे 351 करोड़ का फंड रेज यहाँ पे किया जाना है, और फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज विल बी द 5th इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ओपनिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन द करंट मंथ। तो इस महीने में 5वां IPO है ये। पहले जो डेट रहेगी यहाँ पे देखिए, आज की डेट से स्टार्ट हुआ है 22 अगस्त से, और फाइनल डे यहाँ पे रहने वाले है 24 अगस्त तक की। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है उछाल हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे, वो तो एक लिस्टिंग के बाद ही हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लगने वाली हैं। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 102 से लेके 108 रुपये के आसपास का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। और साथ में अगर ऑफर डिटेल्स की बात करें तो देखिए 103 करोड़ के आसपास का यहाँ पे फंड रेज करने की कोशिश की जाएगी एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए। ऑफर डिटेल्स की बात करें तो मुंबई बेस्ड फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोवाइडर इंटेंड्स टू रेज 351 करोड़ विद ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 1.75 करोड़ शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर्स की एंटिटी में सेट इंडस्ट्रीज के अंदर रहने वाले हैं। और साथ में अगर बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो द फ्रेश इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग ऑफर एक्सपेंसेस विल बी यूटिलाइज्ड फॉर रिपेइंग सर्टेन बोरिंग्स अमाउंट इंग ऑफ ₹32 करोड़, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ 84 करोड़। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 32 करोड़ का जो कर्जा है कंपनी के ऊपर, अगर IPO के थ्रू वो चुकाने की कोशिश की जाएगी, और फिर वर्किंग कैपिटल ऑलमोस्ट 84 लाख करोड़ के आसपास का रिक्वायरमेंट है। लोट साइज यहाँ पे मिनिमम 130 इक्विटी शेयर्स रहने वाले हैं, और उसमें आप जो है जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है मिनिमम वो 14,040 रुपये के आसपास का है 1 लॉट का, और 130 शेयर्स के आसपास रहने वाला है। तो यानी कि आप 14 लॉट्स के आसपास जो है बाइंग कर सकते हैं, और 108 रुपये पर शेयर में पड़ेगा 1,96,560 के आसपास का। और 10 लाख की कैन देखिए यहाँ पे अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स विद इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बिटवीन 2 लाख टू 10 लाख कैन इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 15 लॉट एंड 71 लॉट्स। तो ऑलमोस्ट जो है 10 लाख तक के ज़्यादा के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट टोटल किया जा सकता है। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो एरोफ्लेक्स मैन्युफैक्चरर्स मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट सच प्ले ए क्रिटिकल रोल इन ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंसेस एयर लिक्विड एंड सॉलिड। तो इन चीज़ों में ये कंपनी काम करती है, सोलर हॉसेज हैं, गैस हॉसेज हैं, वैक्यूम हॉसेज हैं, ब्रीडिंग इंटरलॉक हॉसेज हैं, और बाकी सारी जो असेंबलीज हैं उनके अंदर भी ये कंपनी हमें काम करती नजर आ रही है। बात करें अगर फाइनेंशियल्स की तो एरोफ्लेक्स हैज़ रिकॉर्डेड हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द पास्ट ईयर्स विद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रोइंग एट CAGR ऑफ 36.43% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-23 विद ₹269.5 करोड़। तो परफॉर्मेंस जो है अभी तक की तो हालांकि अच्छी रही है, बाकी मार्केट में लिस्टिंग के बाद कैसा कुछ रहेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रमोटर्स होल्ड 91.09% शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे वो होल्ड करते हैं, प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है। और किंजल कमलेश शाह इज द कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द मुंबई बेस्ड फर्म। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट ऑपरेशन जो है कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 80% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आउट ऑफ विच USA कंट्रीब्यूशन एट 28%। और कंपनी जो है मेनली डिपेंड रहती है चाइना के ऊपर, क्योंकि पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाईज मोस्टली चाइना से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें कंपटीशन फेस करता हुआ नजर आएगा स्टॉक जैसे ही मार्केट में लिस्ट होगा। और लिस्टिंग डेट यहाँ पे रहने वाली है 29 अगस्त की, तो रिफंड जो है यहाँ पे 30 अगस्त को होता नजर आएगा। एलिजिबल इन्वेस्टर्स को जो डीमेट अकाउंट में जो है वो ऑटोमेटिक जो है 31 अगस्त को सारे के सारे शेयर जो है जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पॉजिटिव अपडेट की अगर बात करें तो आशीष कचोलिया बैक्ड एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज IPO ओवर सब्सक्राइब्ड विद इन एन हावर ऑफ ओपनिंग GMP अप्लाई और नॉट। तो यहाँ पे GMP जो ऑलमोस्ट अभी जो फिलहाल की है आर अवेलेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹65 इन ग्रे मार्केट टुडे। और आशीष कचोलिया जो है वो यहाँ पे अपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं स्टॉक के अंदर, हालांकि ये तो लिस्टिंग के बाद ही पता लगेगा। द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ द आशीष कचोलिया बैक्ड कंपनी, यानी कि एक तरीके की कंपनी बैक्ड कंपनी है आशीष कचोलिया की एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, और ये जो मार्केट में अपनी लिस्टिंग ऑलमोस्ट जो है हमें 31 अगस्त को करती हुई नजर आ सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूं, और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।